हम लोग कहाँ से आ गए? रास्ते में मिले मुझे पता क्या खराब है, तभी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। और फोन पे पता है जब मैंने फोन किया तो मम्मी ऐसे एक्टिंग मारती क्योंकि मुझे शोर आ रहा था। मम्मी बोलते हैं मैं बाहर आई हूँ गांव में कहीं। मैं सोच यार गांव में इतना शोर कैसे। तो मम्मी ने बोला चल बाद में बात करती हूँ, फिर मैं बिजी हो गया एडिटिंग में। तुम लोग ही दे सकते हो सरप्राइज। ओह माय गॉड। मम्मी ये चाह रहे थे कि हम साथ में जन्माष्टमी बनाए, तो हमको ऐसा हो रहा था कि हम नहीं जा पा रहे थे, तो हम मम्मी पापा से कह रहे थे आप आ जाओ, पर मम्मी ने अपने पत्ते नहीं खोले। बात हुई थी ना तो उस टाइम मैं चाह रही थी कि तुम लोग घर आओ, जब मेरे को लगा कि तुम बहुत बिजी हो तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोग आओगे ठंडी हुई। और पता हुआ क्या, मैं खबर सुनाती हूँ। मुझे मम्मी कहते हैं हाँ नैना हम पहुंचे, हम टैक्सी लेके आ रहे हैं। तो मुझे क्या लगा कि मम्मी शिमला में जिससे टैक्सी करते वो एक ही इंसान है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन भैया को फोन किया, मैंने बोला भैया कौन सी टैक्सी भेजिए बस स्टैंड के लिए, उसको बोलो मुझे जिम से पिक करता हुआ जाए। और मैं दूसरी टैक्सी लेके चली गई, मम्मी पापा किसी और टैक्सी में आ रहे। मैं कहे भगवान, मैं सोची थी ना इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ था, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ सरप्राइज करने का। बट फिर हम एक जगह, मैंने मम्मी पापा को कहा कि आप उतर जाओ, फिर वहां पे जाके हम मिल गए और फिर साथ आ गए। हाँ बाय द वे आज हम सुबह जिम नहीं जा पाए थे, नैना अभी गई थी, मैं नहीं जा पाया था बिकॉज मुझे एक्टिंग करनी थी। यस और इसी बीच इन्होंने पता नहीं कैसे सब कोऑर्डिनेशन किया और यहाँ पहुंच गए सरप्राइज है। हमारा मंदिर देखे जी। मम्मी ने खीरे कूरे निकाल दिए घर से लाए, खेती निकाल रहे। और अभी हम मंदिर को अच्छे से स्थापित करेंगे। मैं ये जिम के बाद तभी इतना टाइम लगा इसे, ये सब लेकर आई है ये। अरे मुझे देखना है प्लीज, बहुत सुंदर चीजें। मैं कल बहुत सुंदर से जाने वाली हूँ मंदिर को, आपको भी देख के मजा आएगा और आपको भी देख के मजा आएगा और आपको और पापा को तड़प मच गई चाय की। जा जा देख, मैं दूध भी ले आई थी, मुझे पता था पापा आ रहे। यार ये क्या है देख, ये हमारे लिए चटनी ताकि हम सॉस ना खाए। वाह मम्मी थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको बड़ी पसंद है और नैना को पसंद आएगी। एक तुम्हारी मम्मी के लिए भी है एक्सक्लूसिव, ये उनके लिए है। टैक्सी में मम्मी यहाँ नीचे तक आए, यहाँ से वापस गए यहाँ। हाँ बोलते नहीं आऊंगी मैं, नहीं 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 तुम जाओ अभी। नहीं नहीं मम्मी चली गई वापस। मम्मी को ना थोड़ा नहीं, मम्मी को टेंशन हो रही थी, पापा और दादी भी है घर पे। दादी आ गए हाँ, उनको मैंने कभी छोड़ना था आज, पर वो दादी का फोन आ गया था ना हाँ। तो वो बेचारे फिर वेट कर रहे थे इसलिए हाँ। हाँ, कल, 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 कल के लिए आ जाओ फोन कर फिर लेने जाएंगे उनको। ठीक है ये हनुमान जी की माला है, कितनी एक्साइटेड है। अभी हम ये नहीं दिखाएंगे आपको, ये कल दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, आज ना हम सुबह सुबह जिम चले गए थे और क्योंकि जन्माष्टमी है तो अभी हम व्रत का सामान लेने आए हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। हमारे भगवान के लिए आसन कम पड़ रहा था, मिल गया फाइनली, परफेक्ट साइज का। हाँ। मज़ा आ गया यार, वरना जब भी जिम से वापस आते थे ना खाना बनाना पड़ता था, आज बना बनाया भी मिला। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी चॉइस का मिला, मम्मी ने मेरे लिए इडली बनाई है और रजत के लिए ये खिचड़ी बनाई है, इतना अच्छा लग रहा है ना अभी। और अच्छा मम्मी मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, जब रजत छोटा बच्चा था ना तो ये दुकान में जाके जिद करता था? जिद तो नहीं करता था, एक बार हम इसको शूज लेने गए, इसको पसंद थे शूज, और जब इसने रेट मतलब हमने शूज ले लिए थे 500-600 रुपए के जूते उसके, और इसने जूते बोल दिए कि नहीं नहीं ये बहुत महंगे हैं और मैं लूंगा ये जूते। अच्छा और वो लड़की की बात है, वो दुकानदार था, वो इसको बोले कि बेटा ले लो आप और ये नहीं इतने महंगे, नहीं आप बंद इसको इन जूतों को वापस कर दो। और दुकान में हमेशा ऐसे करता था ये, हम कभी बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। ये बोलता था लॉस होएगा इनको। अब आप सोच रहे होंगे मेरे दिमाग में क्वेश्चन कहाँ से आया, हुआ क्या, अभी हम दुकान में गए, कल आपने देखा ना मैं जन्माष्टमी का कितना सामान लेके आई, रजत ने एक और ले आया है झूला इतना बड़ा सा, कहता नहीं नहीं ये भी लेना ये भी लेना। मैं सोचू ये बड़े होके इतनी जिद कर रहा है तो बचपन में कैसा रहा होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। जिम से आते ही ना मैं तो खाना खाने बैठ गई थी बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब जाती हूँ थोड़ा फ्रेश होती है, मेरी शक्ल की क्या हाल हो चुके, एक तो धूप इतनी ज्यादा थी ना उसकी वजह से इतना ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, दूसरा मैं जिम कर रही थी तो उससे तो और ज्यादा स्वेटिंग हो रहा था, और इस सबसे देखो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिंपल दिख रहे आपको। तो इसलिए इस टाइम पे मेरे को अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद आता है जब हम छोटे छोटे होते
थे ना, तो मम्मी मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर का फेस पैक बनाती थी कि इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। बट अब कहाँ किसी के पास इतना टाइम है कि आप मुल्तानी मिट्टी लो, रोज वाटर लो, फिर उसका फेस पैक बनाओ। इसीलिए टुडे आई विल बी यूजिंग मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। ये एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करता है विदाउट ओवर ड्राइंग माई स्किन। इट इज इन्फ्यूज विद द गुडनेस ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड बल्गेरियन रोज। दिस फेस वॉश कंट्रोल्स ऑयल, एक्ने एंड प्रमोट्स हाइड्रेशन एंड इवन स्किन टोन। इट्स नॉन ड्राइंग फॉर्मुला, इज सेफ फॉर डेली यूज एंड ऑल्सो इज सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, विच मीन्स नो हार्मफुल केमिकल्स एंड पैराबेन्स। इसी मुल्तानी मिट्टी रेंज में आता है फेस मास्क, जो कि आप वीकली लगा सकते हैं अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए। मैंने आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो बता दी, बट अगर ममाअर्थ एज अ ब्रांड के बारे में बताऊं तो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें जब भी आप ममाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे। और इतना ही नहीं, 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और एक अच्छी बात यह है कि अब आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन आपके नजदीकी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, बट अगर आप इन्हें ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नाइका से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दे दिए हैं। और अगर आप इसे ममाअर्थ के ऑफिशियल ऐप से लेते हैं या फिर वेबसाइट से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2023, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब फिलहाल मैं घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करती हूँ, और आपको ये भी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा मेरा जो सूट है, क्योंकि आज मैं जन्माष्टमी पे ये सूट पहनूंगी और अच्छे से रेडी होऊंगी। भगवान जी, इतना मुश्किल क्यों बनाया व्रत? एक्चुअली मैंने कल रात भी साइड कर लिया था कि मैं व्रत लूंगा, बट नैना ने मुझे बोल दिया था कि भाई तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी मैंने व्रत लिया क्योंकि मम्मी का भी व्रत है। जब मैं छोटा होता था एक्चुअली यस, मेरा व्रत बहुत मुश्किल होता था, तो मम्मी पापा तो मेरे को बिल्कुल मना करते थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था इसका व्रत, क्योंकि मैं पूरा दिन खाता ही रहता था कुछ ना कुछ। फिर वो व्रत में आपको पता है कि अलग अलग चीजें बनती है, तो मैं पूरा दिन बनवाता रहता था, अभी ये बनाओ वो बनाओ, बस आज वैसे हो रहा। बट आज मैंने सिर्फ एक ही बार खा, एक नहीं मैंने दो बार खाया, मतलब मैंने ऐसे समझो कि एक ही पोर्शन को, एक टाइम की मील को दो बार में स्प्लिट करके खाया है। बट अभी भूख लग रही है और या थोड़ा टफ है। हमारी नैना ने सही डिसीजन लिया कि व्रत रहने दो, श्रद्धा ऐसे पूरी है पर व्रत नहीं लेंगे। श्रद्धा तो देखो पूरी पूरी है, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, बट व्रत कभी और करेंगे अभी नहीं हो पाएगा। बारिश लगी, ओले पड़ रहे हैं ओले। मम्मी एक रील बनानी है अभी नैना की ना, तो आपको ड्रायर पकड़ के इसके बाल उड़ाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? यस रजत, तो तैयारी हो गई या ऑलमोस्ट। चल ठीक है, मैं प्रोफेशनल फॉर शूट्स एंड वीडियोस। कांटेक्ट मिस्टर रजत शर्मा, कांटेक्ट माय पीए बिहाइंड द कैमरा ज्योतिका दिले। तुम मेरा ही कर लो ना, उतना ही काफी है। बारिश भी रुक गई, ये लीजिए सर, अब ठीक है? ओके, ऐसे दुपट्टा करके मूर्ति से हो गया बस। अब मैं और जब नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो फिलहाल अभी ये हमारे लिए पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं। बट हम ये खुद ही करते हैं, हम सोचते हैं जितना खुद से उतना बेटर है। हम दोनों मिलके एक टीम अच्छी बना ही लेते हैं, क्यों रजत? हाँ, लड़ झगड़ के कर ही लेते हैं, कर लेते हैं गुजारा, चलो चल लड़की हुआ। तो अभी मैं अपने दूसरे आउटफिट में रेडी हूँ। हुआ क्या अभी ना, मैं रजत को बुलाने गई, रजत बैठा पापा के साथ उनके रूम पे, तो पापा मुझे देख के हंसने लगे। मैं कर ले यार, पापा भी सोच रहे कि बिन मौसम इतनी रेडी क्यों हुई है। एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी लगे हाथ फोटोशूट भी कर लेते, इसलिए मैं इतनी सजी धजी हूँ। बड़ा मजा सा आ रहा है, जैसे आज जन्माष्टमी है तो वो फेस्टिविटी की वाइब है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा फोटोशूट भी करा लेते। मम्मी शाबाश। बस बस बस, आर्टिस्ट भी बस, और हमारा स्पॉट बॉय स्पॉट दादा बच गया आगे को। बीच में तो मम्मी को पता नहीं क्या, मम्मी ने गर्म हवा ऑन कर दिया। नहीं मम्मी, अभी इतनी सर्दी में लग गया बाजू दर्द हो रही थी, हाथ लगाया। मैं आपको हाथ दूंगी। ये तो अच्छा पापा से नहीं कराया है काम। काम कैसे कराना था, जब मैं रजत को बुलाने गई ना, रजत वहां पापा के साथ बैठा था, पापा ने जैसे मुझे देखा उनकी हंसी छूट गई, फिर मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही लग रही, फिर मैंने वो टीका वगैरह लगाया तो अच्छा तभी खोला तुमने वो। मुझे बोलता बंदर की तरह लाल हो गया, अच्छी लग रही। बॉय पापा
सरे पापा। तो मौज मस्ती और शूट खूब सारा हो चुका है, अब हम चेंज करके आते हैं और पूजा पाठ शुरू करते हैं। हमारे भगवान तैयार हो चुके हैं, पूजा की थाली जलाने को अभी अच्छी प्रसाद भी रेडी कर दिया है। ये वाली खीर तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मम्मी ने पहली बार मुझे गाँव में खिलाई थी, बस मुझे इंतजार है फटाफट से भूख लगे और हम भी खाए। आज तो 12 बजे तक चलेगा ना? हाँ 12 बजे होगा जन्म, फिर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। अच्छा तभी के लिए झूला भी रखा। हाँ झूला रखा है हमने भगवान के लिए, पहले मंदिर होके आएंगे। और भगवान के लिए हमने इसमें डाला है मक्खन, मक्खन और मिश्री। कृष्ण भगवान की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चलो जी लगाए मम्मी इनको टीका भोग। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आ गए। हाँ, okay. ये क्या लिया इतना कुछ? और ना टिक्का तो बहुत बड़ा नीचे आ गया टिक्का। मम्मी कैसे सुंदर लग रहा है, तो सुंदर लग रहा है। गेट बंद करो, क्या बोल रहा है, कीर्तन भजन होना है यहाँ भी कर सकते हैं अपने घर पे, यहाँ करते हैं। हाँ देखते हैं जैसा अच्छा लगे वैसे। ठीक है, खाने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा व्रत से तुम्हारा टीका वाला नीचे तक आ गया है, ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। तुम रामेश्वरी लग रही हो, ऐसे अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है, मुझे डालो यार मम्मी, मम्मी डालो कटोरियों में, मुझे डालो बस। आप पहले मेरे को मीठा नहीं खाना था वैसे, सॉरी, पहले आप मेरे को सौंक चावल और खट्टा कद्दू दो। अभी हम व्रत नहीं खोल रहे हैं, अभी हम फलाहारी खाएंगे। सौंक चावल बने हैं, आलू बने हैं और मीठा बना है, वो सब खाएंगे। बाकी व्रत तो कल खोलेंगे, और इसके बाद पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं, बिकॉज अभी पूजा भी होनी है प्रॉपर जो रात तक चलेगी, क्योंकि 12 बजे कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म होगा, तो तब तक हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे। ये है मेरे व्रत का खाना। वाह मजा आ गया। फाइनली बारी आ चुकी है कान्हा जी को झूला झुलवाने की। हमने आज सब कुछ कान्हा जी का पिंक पिंक रखा है, इनकी पगड़ी भी पिंक है और इनका झूला भी पिंक है। ने गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्यामा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना, सुनूंगी तो जल्दी आ जाना। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो।